अभी हम लोग ये जाने कि डेल्टा टीवी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे है। अब इसमें एक केबी है जिसको हम लोग मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, एबुलियो स्कॉपिंग कांस्टेंट बोलते हैं या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, तीन नाम है इसका केबी का। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, केबी क्या, डेल्टा टीवी और केबी के बीच में रिलेशन क्या है, डेल्टा टीवी और मोलैरिटी के बीच में। डेल्टा टीवी इक्वल टू हम लोग क्या जाने, केबी इंटू क्या, मोलैरिटी जाने ना। तो अभी हमें कॉन्सेप्ट जानना है केबी का, केबी क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे केबी को, केबी किस पे डिपेंड करता है नहीं करता है। नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा केबी किस पे डिपेंड करता है, हम अभी आपको बता रहे। पहले इसका यूनिट जान लेते हैं केबी का, कॉन्सेप्ट ऑफ केबी। केबी केबी का नाम क्या सब है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या एबुलियो स्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। तो डेल्टा टीवी बराबर केबी गुणे क्या होता है, मोलैरिटी। तो बोले केबी बराबर क्या हो जाएगा, मोलैरिटी पे लात मारी तो डेल्टा टीवी और डिवाइडेड बाय क्या होगा, मोलैरिटी होगा, होगा ना। अच्छा बताइए ये डेल्टा टीवी है क्या, तो डेल्टा टीवी जो है वो तो टेम्परेचर का डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट तो टेम्परेचर है ना, जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ करके किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, उसी टेम्परेचर को हम लोग उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो डेल्टा टीवी बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ना। तो बताइए जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, और टेम्परेचर में से टेम्परेचर को घटाएंगे तो टेम्परेचर ही ना बचेगा, 10 डिग्री सेल्सियस में से 5 डिग्री सेल्सियस को घटा दे तो 5 डिग्री सेल्सियस बचेगा कि 5 किलोग्राम बचेगा, 5 डिग्री सेल्सियस बचेगा। तो आप ये जान लीजिए कि डेल्टा टीवी मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो यूनिट होता है वो डिग्री सेल्सियस होगा या फिर कैल्विन होगा, जो टेम्परेचर का यूनिट होता है। मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी। तो अगर आपको यूनिट जानना है, यूनिट ऑफ केबी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी, तो क्या होगा बोलिए। तो अगर मान लीजिए कि आप डेल्टा टीवी को कैल्विन में ले लेते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हैं, तो अगर कैल्विन में ले लेते तो डिवाइड बाय मोलैरिटी का यूनिट क्या होता, मोलैरिटी का यूनिट तो मोल पर केजी होता है ना, तो मोल पर केजी सिंपलीफाई कीजिए तो क्या होगा, केजी ऊपर गया, अब मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कैल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, कैल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। या अगर मान लीजिए इस टेम्परेचर को यदि डिग्री सेल्सियस में ले ले तो क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस किलोग्राम क्या मोल इनवर्स होगा ना। उसके बाद इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे के क्या हो गया कैल्विन, के क्या हो गया कैल्विन, और मोलैरिटी को तो स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल एम इनवर्स, समझ में आएगी नहीं, या फिर डिग्री सेल्सियस में तो डिग्री सेल्सियस स्मॉल एम इनवर्स, क्या आपको समझ में आया। तो ये यूनिट हो गया मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी का। अब केबी के बारे में जानते हैं ये कि केबी डिपेंड किस पे करता है, तो केबी जो है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये सॉल्वेंट का कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट का मतलब होता है जो सिर्फ कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, कैरेक्टर पे, नेचर पे डिपेंड करेगा, वो भी सॉल्वेंट का। ये केबी जो है ये सॉल्वेंट का कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है। इसका मतलब हुआ कि केबी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा, सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा, मोलैरिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, मोलैरिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, ये हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, ये सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। अलग अलग सॉल्वेंट का नेचर क्या होता है, अलग अलग, तो अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केबी का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग हुआ ना। क्या समझ में आया आपको, ये केबी किस पे डिपेंड करता है, क्या मोलैरिटी पे डिपेंड करेगा, नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के नेचर। समझ में आया आपको, नीचे लिखिए।
केबी बोलते क्या मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट। Only depends upon nature of the solvent. It do not depends upon that is KB is characteristic constant of the solvent. Different solvent having different value of KB. Molar elevation constant KB do not depends upon amount of solvent solute molality and molarity and molarity. KB molar elevation constant do not depends upon temperature and pressure. KB for water दिए क्या होता है कि numerical में KB का वैल्यू दिया रहता है, हमेशा दिया रहेगा। सिर्फ एनसीईआरटी में ही दो क्वेश्चन ऐसा है जिसमें KB का वैल्यू नहीं दिया हुआ है और वहां पे सॉल्वेंट वाटर रहेगा। सॉल्वेंट वाटर है क्वेश्चन में, तो KB का वैल्यू जो है वो सिर्फ वाटर के लिए आपको याद रखना है, बाकी सॉल्वेंट के लिए आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। वाटर के लिए KB का जो वैल्यू है वो 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स क्या है? तो ये KB का यूनिट है ना, किसका यूनिट है? KB का यूनिट। लिखिए KB फोर वाटर इज 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। उतारिए डेल्टा टीवी को डिफाइन करते हैं। डेल्टा टीवी बराबर केबी गुने मोलारिटी। अच्छा बताइए मोलारिटी कैसे निकालते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? केबी इनटू मोलारिटी को क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन क्या? केजी किलोग्राम। अच्छा बताइए अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट एक हो जाए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एक मोल, सॉल्यूशन में सॉल्यूट एक मोल हो जाए और सॉल्वेंट का मास एक किलोग्राम हो जाए। सॉल्वेंट का मास कितना किलोग्राम? एक किलोग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर एक किलोग्राम, मतलब यदि एक किलोग्राम सॉल्वेंट में एक मोल सॉल्यूट मिला हुआ है तो मोलालिटी तो एक हो जाएगा। मोलालिटी कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। तब बोलिए देन डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा? सीधे केवी ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में 1, तो डेल्टा टीवी बराबर केवी हो जाएगा। मतलब केवी किसके बराबर? डेल्टा टीवी के बराबर। केबी किसके बराबर? तो केबी डेल्टा टीवी के बराबर हो जाएगा। मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है उसके बराबर हो जाएगा जब एक मोल सॉल्यूट कितना किलोग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है? एक किलोग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है।
तो आप लिखिए इसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन वन मोल्स ऑफ सॉल्यूट, व्हेन वन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, वन किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट उतारिए इसको।